हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान के इस चैनल में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मॉनिटर्स के। तो बेसिकली अगर आप कंप्यूटर पे कभी भी सर्च करते हो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो तीन तरीके के मॉनिटर आपको शो किए जाते हैं। पहला होता है सीआरटी, दूसरा एलसीडी और तीसरा एलईडी। तो एलसीडी और एलईडी तो आपने बहुत बार सुना होगा। बात करते हैं सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर के। तो आपने पुराने टाइम का डेस्कटॉप कंप्यूटर तो जरूर देखा होगा और उसमें जो मॉनिटर होता है वो भी देखा होगा। तो वो जो मॉनिटर है उसी को बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। अब यहाँ पे एक सवाल जो यहाँ पे जरूरी है कि इसे सीआरटी मॉनिटर क्या बोलते हैं, सीआरटी का मतलब क्या होता है। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। अब ये जो मॉनिटर है इसका जो इनसाइड पोर्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो ट्यूब होती है जैसे जो काम करता है, इसमें होती है कैथोड रे ट्यूब, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होती है, जो इसमें कलर्स होते हैं आरजीबी कलर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होती है, जो इसका जो सरफेस है उससे जब टकराती है तो वो कोडेक होके आपको एक विजुअल इमेज शो करती है और आपको एक स्क्रीन वहां पे जो भी चीज है, जो भी चल रहा है वो आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसके अंदर होती है कैथोड रे ट्यूब और इसी वजह से इसको बोला जाता है सीआरटी मॉनिटर, क्योंकि ये सीआरटी पैटर्न पे काम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं एलसीडी मॉनिटर की। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन लेके चलते हैं कि आपका एक है सीआरटी मॉनिटर और दूसरा यहाँ पे आ गया एलसीडी मॉनिटर। तो जो सीआरटी मॉनिटर है वो है प्रीवियस और जो एलसीडी है वो है उसका अपडेट। जो सीआरटी मॉनिटर था वो काफी ज्यादा स्पेस लेता था, एलसीडी मॉनिटर स्पेस नहीं लेता। अब जो सीआरटी मॉनिटर है उसमें थी वैक्यूम ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब थी उसी में होती है वैक्यूम ट्यूब होती है, जो कि काफी ज्यादा बिजली गेन करती है, यानी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जिस प्रॉब्लम को एलसीडी ने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि ये जो एलसीडी मॉनिटर है ये कैसे काम करता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जब आप एलसीडी को खोलोगे तो वहां पे दो तरीके की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगी। एक मिलेगा आपको क्रिस्टल डिस्प्ले जो आगे होती है और पीछे में आपको मिलती है बैक लाइट, और इन दोनों के बीच में आपको मिलती है लेयर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो जब ये बैक लाइट ऑन होती है, ये जो बैक लाइट है इसको बोलते हैं CCFL। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका सीआरटी मॉनिटर था इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम्स निकलती थी और वो कोडेक होके आपको एक विजुअल इमेज शो करती थी। सेम लाइक इसमें जो बैकलाइट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम का काम कर रहे हैं एक हिसाब से, और यहाँ पे जो बीच में लेयर्स है इनसे ये ट्रांसफॉर्म होके आपको एक विजुअल इमेज शो करता है। तो इसमें होती है बैकलाइट, जैसे बोलते हैं CCFL। अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और इसके बीच में होती है लेयर और पीछे में होती है बैकलाइट। अब यहाँ पे क्योंकि मैं एलसीडी समझ में आ गया तो सिंपली बात कर लेते हैं एलईडी की। एलसीडी और एलईडी 90% तक सेम होते हैं, सिर्फ इन दोनों में एक चीज का फर्क होता है, वो है इनकी बैकलाइट। जो आपका ये जो एलसीडी है इसकी जो बैकलाइट है वो होती है CCFL, और जो आपका जो ये एलईडी है इसकी जो बैकलाइट होती है वो होती है इमिटिंग डायोड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एलसीडी का जो ये बैकलाइट है वो कैसा है और जो एलईडी का है वो बैकलाइट कैसा है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसमें डायोड का यूज हुआ होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी और कम गेन करता है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर आप कोई नॉर्मल बल्ब जला रहे हो और आप एलईडी जला रहे हो तो उसमें कौन ज्यादा और कौन कम बिजली गेन करेगा। तो यही बेनिफिट है एलईडी का, और इसी वजह से क्योंकि एलसीडी वेट में जो होती है, सॉरी जो एलसीडी है वो वेट में हैवी होती है और जो एलईडी होती है वो वेट में हल्की होती है, उसका रीजन यही होता है इन दोनों की बैकलाइट। बाकी जो सरफेस होता है, जो लेयर्स होती है वो सेम होती है। तो ये थे दोस्तों टाइप्स ऑफ मॉनिटर। आई होप कि जो वीडियो है वो आपको क्लियर हुआ हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।